नमस्कार, मैं पार्थ पटेल, केटीएस आइस मशीन कृष्णा टेक्नो सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे भीलवाड़ा राजस्थान में हमने 10 टन का आइस प्लांट दिया है। ये पहले एमोनिया का आइस प्लांट था, उसको हमने फ्रियोन के R404 गैस में कन्वर्ट किया हुआ है। और अभी मैं प्लांट का विजिट करवाता हूँ आपको। यहाँ पे 132 कैन का टंकी पहले एमोनिया का लगा हुआ था। यहाँ पे देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक पैनल है। ये इलेक्ट्रिक पैनल में हम एम्पियर मीटर और वोल्टेज मीटर भी देते हैं, और ये सब स्विचें दी गई है। जो भी चीज चालू होगी वो स्विच दिखाई देगी। यहाँ पे फैन ऑन है, पंप ऑन है, कंप्रेसर, एग्रीगेटर, पंप और कंप्रेसर सभी चीज दी गई है। और ये जो नीचे का इंडिकेटर है, वो कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो पहले ही वो ब्लिंक हो जाती है और पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और हमने ये टेम्परेचर कंट्रोलर भी दिए हुए हैं, जिससे आपको पता चले कि कूलिंग टावर का पानी का टेम्परेचर कितना है और जो ब्राइन टैंक है नमक वाला पानी का टेम्परेचर कितना है, वो आप यहाँ से इंडिकेट कर सकते हो। और हमारा कंपनी का जो कंप्रेसर यूनिट है वो हम इस तरह से डिजाइन करके देते हैं। ये जो कंप्रेसर फास्कोल कंपनी के है, मेड इन इटली का, ये ऐसा पूरा ऐसा सिस्टम आता है। इसमें जो हम रिसीवर है, फिल्टर डायर है, पूरा एसेसरी उसमें जो लगता है नेसेसरी है सेफ्टी के हिसाब से, वो सब हम चीज इसमें लगा के देते हैं। यहाँ से जो कॉपर पाइपें है वो कूलिंग कॉइल में जाती है। बाल वगैरह एसेसरीज है वो सब यहाँ पे हमने दी रखी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये प्रेशर गेज है, हाई प्रेशर लो प्रेशर का स्विच भी दिया हुआ है। तो सेफ्टी का इसमें पूरा हम बंदोबस्त करके देते हैं। और इस साइड उनका पहले से ही बना हुआ 132 कैन का टंकी है। इसमें इन्होंने हमारे अनुसार टैंक में मॉडिफिकेशन करवाया हुआ है। ये 150 किलो का 132 कैन का टंकी है, उसमें से 60 से 70 कैन उनको हर रोज मिल जाते हैं। उस साइड हमारा जो कूलिंग कॉइल है, जो कंप्रेसर सिस्टम है, उनके लिए उसको कनेक्टेड किया गया है। ये एग्रीगेटर है और उसकी मोटर है। एग्रीगेटर उनका पहले से ही लगा हुआ था। ये पूरा कॉपर का पाइपिंग हमारी कंपनी बना करके देती है। यहाँ पे आप बर्फ जमी हुई भी देख सकते हो। ये एक कैन अभी निकाला उन्होंने, ये दूसरा कैन, ये पूरा जमा हुआ है 150 किलो का है उनका। ये पूरा क्रेन का जो सेटअप है उन्होंने पहले से ही बना के रखा हुआ था, हमने उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन ही किया हुआ है। ये क्रेन उनका बना हुआ था और ये उनका डिस्पैच एरिया है। अभी एक कैन उन्होंने ये निकाला हुआ है, यहाँ से उनका डिस्पैच एरिया पूरा दिखता है। यहाँ से ऊपर कूलिंग टावर लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये कूलिंग टावर लगा हुआ है। दोनों कंप्रेसर का एक ही कूलिंग टावर आता है। ये कंडेंसर के पानी को ठंडा करने का काम करता है। ये पूरा FRP मटेरियल का रहता है, उसके अंदर पिंसे वगैरह रहती है। अभी हम ये प्लांट के ओनर के साथ एक मीटिंग करेंगे। ये प्लांट के ओनर है किशोर जी, इनका नाम है। भीलवाड़ा राजस्थान में उन्होंने एमोनिया से फ्रियोन में प्लांट कन्वर्ट करवाया हुआ है। किशोर जी, आपने इस लाइन में कितने साल से हो? बर्फ की फैक्ट्री में इस लाइन में करीब 45-50 साल हो गए। हमारे दादाजी के टाइम का ये बिजनेस है। और उसके बाद अभी ये साल है, इसमें हमने ये अमोनिया हटा के ये वाला आपका वाला प्लांट लगाया है। ये इनको हमने फ्रियोन 404 नंबर का गैस वाला प्लांट लगा के दिया हुआ है। उन्होंने पहले R22 में भी प्लांट लगा के, अपने R22 PS में वो डेनफोर्स कंप्रेसर में प्लांट लगाया था। जी जी, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसमें काफी हमारा मतलब नुकसान हुआ, उसमें मतलब बिल्कुल कोई सक्सेस नहीं था। लगा के तो गए थे वो प्लांट, पर उसमें मजा बिल्कुल नहीं आया। मतलब ये कि उसको 1.5 साल चालू करने के बाद उसको हमको बंद करना पड़ा, उसके बाद फिर से हमारे को अमोनिया लगाना पड़ा। इसमें काफी परेशानी हुई हमारे को अमोनिया से। फिर उन्होंने R404 गैस में ये प्लांट लगाया है। ये प्लांट हमने उनको मार्च महीने में दिया हुआ है। 6 महीने में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है ये प्लांट के बारे में? अमोनिया के अकॉर्डिंग काफी इसका बेटर रिस्पॉन्स रहा है इसका। कुछ बातें इसमें ये कि जैसे अब इसमें एक तो अमोनिया गैस जो होती है वो काफी रिस्क में होती है, इसमें ऐसा कोई टेंशन नहीं है। प्लस इसमें ऑपरेटर भी रखना पड़ता है अमोनिया के अंदर, इस प्लांट में ऑपरेटर का ऐसा कुछ भी नहीं है। और काफी फ्री माइंड है हम
ऐसा इसमें कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, और जितना इसका प्रोडक्शन जो हमारे को बताया गया था उसका बराबर उतना ही ब्लॉक निकाल रहा है। अभी आपका जो ये एमोनिया का बर्फ है और फ्यून का बर्फ है, उसमें कोई डिफरेंस आपको लगता है? उसमें बहुत डिफरेंस है। एक्चुअल में क्या है कि ये जो आपका जो प्लांट है इसमें क्या हार्डनेस काफी अच्छी है, काफी मतलब फिनिशिंग से निकलती है। अमोनिया में वो नहीं है, अमोनिया में क्या थोड़ा दाने टाइप बर्फ बनता है, इसमें एकदम फिनिशिंग वाला बनता है और थोड़ी क्रिस्टल टाइप बनता है इसमें। और एमोनिया की बर्फ की लागत और ये फ्रियोन गैस की बर्फ की लागत में कोई डिफरेंस है लगा आपको? ऑलमोस्ट लगभग सेम है, कोई विशेष फर्क नहीं है इसमें, लगभग दोनों सेम है। अभी बहुत लोग एमोनिया से फ्रियोन में कन्वर्ट कराने के लिए सोच रहे हैं, तो उनको ये फ्रियोन में कन्वर्ट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल कराना चाहिए, काफी मतलब इसमें सहूलियत होती है। अब अमोनिया में तो क्या, जैसे अगर ऑपरेटर अपन ने रखा है अमोनिया में, अगर आज ऑपरेटर नहीं है तो कल आपको रोटी लगानी पड़ेगी नाइट में। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें बेफिक्र हो जाओ, प्लांट चालू किया अपने आप टेम्परेचर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, जितना कहने निकाला उतना आप मशीन चला लो, उसके बाद बंद कर लो, उसमें ऐसा कोई हेडेक वाली बात नहीं है। बहुत लोग घबरा रहे हैं कि अमोनिया में से फ्रियोन में कन्वर्ट करे, फ्रियोन के प्लांट सक्सेस नहीं। आपका ये 6 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो बताइए। पहले मुझे ऐसा लगता था कि इसका क्या होगा अगर ये प्लांट लगा रहे हम तो, उसके बाद लगने के बाद अब ऐसा लग रहा है काफी हम सही जगह हमने ये क्वेश्चन चूज किया इस प्लांट के लिए। इससे पहले हम यही देख रहे थे ये अमोनिया इतना बर्फ देगा कि नहीं देगा, कि ये भी फेल होगा, पर इसका जो एक्सपीरियंस है काफी अच्छा है और बेफिक्र है। ये सीजन आपने निकाला, ये गर्मियों का सीजन, आपको कोई दिक्कत रहा सर्विस कॉल वगैरह? कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, और बल्कि ये मेरा इससे मार्केट और अच्छा हुआ है। अच्छा, ऐसी बात है। एक्चुअल में क्या है कि मेन क्या जो आइस की जो क्वालिटी है उसमें काफी मतलब फर्क नजर आया है। एक तो अमोनिया में क्या थोड़ा दानेदार होता है, ये क्रिस्टल टाइप जमा रहा है। क्रिस्टल बर्फ किसको अच्छा नहीं लगेगा, बेस्ट होता है, तो उससे मेरा मार्केट भी अच्छा हुआ है। देखिए किशोर जी ने ये फ्रियोन में कन्वर्ट करवाया है, उनका ये एक्सपीरियंस हमने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी।